नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिलासपुर शहर से सटे यूपी में खूनी संघर्ष की बात सामने आ रही है, जहां दिन दिहाड़े फाइनेंस की गई गाड़ी की किश्त न देने पर गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया और विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो मृतक अपनी माँ रणजीत कौर के साथ बिलासपुर से रुद्रपुर की ओर रुद्रपुर बॉर्डर जा रहा था, तभी रेलवे क्रॉसिंग पर दीपू से गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया। जब दीपू ने इसका विरोध किया तो गुस्साए लोगों में से एक ने तमंचा निकालकर दीपू को गोली मार दी, जिसके बाद घायल दीपू को रुद्रपुर ने बॉर्डर स्थित नारायण ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी रामपुर समिति पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। गाजियाबाद के लोनी में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। बता दें कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और यह कि अजीतमल ओवर ब्रिज के पास इटावा से कानपुर की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया। बता दें कि ट्रक हाईवे किनारे खड़ी डंपर में टक्कर मारते हुए आगे खड़े ट्रॉला में जा घुसा। वहीं डंपर और ट्रॉला के बीच खड़ी बंद बॉडी की पिकअप लोडर भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे अनियंत्रित ट्रक का हेल्पर और पिकअप चालक कैबिन में फंस गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला। थाना अजीतमल में टोल प्लाजा के पास में रात में आज एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चार गाड़ियां आपस में टकरा गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक बीच में पिकअप भी फंसी हुई थी, जिसमें जो भी क्षतिग्रस्त हुई थी। पिकअप को चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब जो हरियाणा राज्य की है उसमें तत्काल जो है जो ड्राइवर था वो भगा हुआ है। हम लोग उसको जो है बाहर निकाल कर थाने पर लाए हैं उसमें, और जो कुछ उन्हें बोतल बरेली के कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। उसके बाद उसके प्रेमी ने गर्भपात करा दिया, जिससे रक्त बहने के चलते उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इतना ही नहीं उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने लाठियां चलाकर उन्हें तितर बितर कर दिया और मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। थाना सीवीगंज के अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें युवती का पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया गया और इसमें घर वालों के द्वारा एक तहरीर भी इसमें दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और अभी तक की जो छानबीन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और अन्य जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं, उससे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि युवती जो है युवती एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसमें जो युवक है उसके द्वारा गर्भपात करने के उद्देश्य से जो युवती है उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सनातन धर्म में त्रेता युग से चली जा रही 84 कोसी परिक्रमा आज मखौड़ा धाम से शुरू हुई। परंपरागत 84 कोसी परिक्रमा में हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु लोग 84 कोसी परिक्रमा के लिए चल पड़े। वह 84 कोसी परिक्रमा मख भूमि मखौड़ा बस्ती से आज से शुरू होकर लगभग एक महीना तक चलने वाली परिक्रमा का पहला पड़ाव रामखेड़ा नदी पर पहुंच गया। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने से अब की बार बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। परिक्रमा के अध्यक्ष महंत गयादास ने बताया कि जो मनुष्य 84 कोसी परिक्रमा कर लेता वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, इसलिए हजारों श्रद्धालु उसमें भाग लेते हैं। और मखौड़ा से शुरू होती है, सीता कुंड अयोध्या पर जाकर के संपन्न होती है सीता नवमी के दिन। कितने पड़ाव पड़ते हैं इस 84 कोसी परिक्रमा में? पड़ाव तो 25 के आसपास पड़ते हैं, 24-25। कितने जिलों से होकर गुजरती है ये? 84 किलोमीटर तक चलती है ये। कितने जनपद पड़ते हैं? 84 जिले कोस तक। कौन कौन से जिले पड़ते हैं मार्ग में? बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा, गिना। हाँ, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, ये जिलों में होकर निकलती है ये।
और ये महंत गया दास जी के सदर में चली आ रही है। हमको परिक्रमा में आते आते 16 वर्ष तो मुझे ऋषिकेश अम्बरी ने शहर के पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए की जा रही कवायद का नगर निगम महापौर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पार्कों की खूबसूरती के साथ संसाधन बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो पार्क का सौंदर्यकरण हो रहा है, स्थानीय पार्षद उमाबीर पार राणा जी के साथ में इसका औचक निरीक्षण करा। औचक निरीक्षण में देखा कि कई जगहों पे कुछ कमियां हैं, उसके लिए संबंधित ठेकेदार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि उसको समय पे गुणवत्तापूर्वक और अच्छे जो अनुबंध के हिसाब से उसको पूरा करें। जिस प्रकार से कि अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो हमारा उद्देश्य था कि मोहल्ले के बीच में वार्डों के बीच में जो पार्क हैं उन पार्कों का सौंदर्यकरण कराने के लिए मेन उद्देश्य यही था कि वहाँ के आसपास के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे उनको खेलने कूदने के लिए एक सुंदर वातावरण मिले, अच्छा पार्क मिले, जिससे कि वो अपने छुट्टी भी बिता सकें और वहाँ पे टहल भी सकें। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हजारों की संख्या में पर्यटक नैनीताल और उसके आसपास घूमने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ हिमालय दर्शन, किलबरी, सोनभ्यू, केप गार्डन, चिड़ियाघर, वाटरफॉल, नैना पीक, टिफिन टॉप समेत तमाम धार्मिक स्थलों का भी अवलोकन करते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। तो सरोवर नगरी नैनीताल उसके आसपास सैलानियों का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते पार्किंग स्थलों में जमकर वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे कई पर्यटकों को भी आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग से निपटने के लिए मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी धीरज काप्रियाल ने बताया कि जब सरोवर नगरी नैनीताल में पार्किंग स्थल फुल हो जाएंगे तो दोपहिया वाहनों को रास्ते में रोक दिया जाएगा। कि वन वे आपका ट्रैफिक चल रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आपके शहर में भी यातायात व्यवस्था चलेगी, लेकिन आने वाले समय में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो क्योंकि पहले तक ये होता था कि जब पार्किंग आपकी फुल हो जाती थी या 70% के करीब पार्किंग फुल हो जाती थी तो हम लोग शटल सर्विसेज के माध्यम से लोगों को यहाँ पे लाते थे। अब वही व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और जितने भी बाइकर्स हैं, जो बाहर के बाइकर्स हैं, उनको हम शहर के बाहर ही रोकेंगे। एक सर, ये जो बीडी पांडे के अस्पताल के सामने बड़ी गाड़ियों का पार्किंग का अड्डा बन गया है और बाजार के जो होटल वाले कह रहे हैं कि हमारी निजी पार्किंग है, वो लगातार यहाँ पर गाड़ी लगवा रहे हैं, तो उनको इसमें अभी यातायात के संबंध में भी मीटिंग होगी हमारी 15 तारीख को, 15 या 20 के पहले। तो उसमें जितने व्यापार मंडल के साथ साथ टैक्सी यूनियन और जितने भी यूनियन वार्ता करेंगे और अच्छा एक इसका समाधान। मथुरा में गोवर्धन थाना इलाके के गांव अडिंग से 4 दिन पूर्व घर के बाहर से गायब हुए लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसकी शिकायत 4 दिन पहले गायब बच्चे के परिजनों ने पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली के चलते ग्रामीणों ने अडिंग चौकी पहुंचकर घेराव कर बच्चे की तलाश कर कार्रवाई की मांग की है। गाय बच्चे की तलाश कर उसकी बरामदगी कर कार्रवाई की जाए। बरेली में बाइक से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 2 दोस्तों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पहले घटना की जानकारी मिलने पर मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं दोनों के शवों को कब्जे में लेकर हादसे की जानकारी लगने पर परिवार में कोहराम मच गया। इस बीच शादी की खुशियां माता में बदल गई। शादी में जा रहा था और रास्ते में पता चला वहाँ एक्सीडेंट हुआ है मीरगंज के पास में, तब बोल वहाँ से खबर आई तब पता चला हम लोगों को। नहीं, 2 लोग थे साथ में, दोनों लोग खत्म हुए हैं। कैसे थे ये लोग? मोटरसाइकिल से। क्या कह रहे थे? ये शादी में जा रहे थे। किसकी शादी थी? सिस्टर की शादी थी, इसमें दोस्त की साथ में और भी कोई लोग? अब वो बाकी दीपक थे साथ में, वो भी एफआईआर हो गए। किस चीज से टकराए थे, क्या हुआ ये अभी पता नहीं चला, कौन सी गाड़ी थी। बुलंदशहर के थाना कुर्जा क्षेत्र से गुजर रही 2 लड़कियों ने एक सिपाही पर बदसलूकी के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक सिपाही का नाम राधना शर्मा है और थाना कुर्जा में ही तैनात है। लड़कियों ने बताया कि सिपाहियों ने पहले अपने पास आने को बोला
और कहा कि तुम दोनों ने दुपट्टा क्यों बांधा है, क्या तुम मुसलमान हो? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।